हिंदी की अभिव्यक्ति की आज़ादी की आज बहुत चर्चाएं हो रही हैं और उन चर्चाओं में यह बात आती है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगाई जा रही है, जबकि ऐसी बात नहीं। अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो अधिकार है अपने संविधान में इतना व्यापक है कि उतना व्यापक अधिकार दुनिया में किसी दूसरे संविधान में नहीं है। और यही कारण है कि आज हम लोग अपने मन की बात, अपने अधिकार की बात करते हैं और कर रहे हैं, और सभी लोग कर रहे हैं, करना भी चाहिए। लेकिन इस आज़ादी का गलत उपयोग भी किया जा रहा है। हम अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर हम देश के विरोध में भी बात कर रहे हैं, हम अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो एक समाज के विरुद्ध है, किसी के धर्म का विरुद्ध है, किसी की जाति का विरुद्ध है, किसी के भावना को ठेस पहुंचाने वाली बात भी हम बोल रहे हैं। और हम लोग बोलते हैं कि हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है इसलिए हम बोलने का अधिकार है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने का अधिकार है, लेकिन आज़ादी में भी है कि हमको समझना पड़ेगा कि आज़ादी का हम सही माने में उसका उपयोग करें। हम ऐसी बात कोई नहीं बोले जिससे देश का नुकसान हो जाए, वह बात हमारी देशद्रोह के परिभाषा में आ जाए, या फिर हमारी बात कहने से समाज में कटता आ जाए, एक संप्रदाय दूसरे समुदाय में कटता आ जाए और उसे देश को नुकसान हो जाए। यह बात हम लोग को सोचना चाहिए और सोच करके ही अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपयोग करना चाहिए। आज पेपर के द्वारा, टीवी के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा अपनी बात हम लोग कह रहे हैं, लेकिन उसी में हम लोग को देखने का मिलता है कि कोई ऐसी बात कहे जा रहे हैं जिससे देश को नुकसान हो रहा है। तो हम समझते हैं कि अपना संविधान तो अभिव्यक्ति की आज़ादी दिया है। आज़ादी के मतलब यह होता है कि हम देश को चिंता करके बोले, समाज को चिंता करके अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपयोग करें तो अच्छा रहेगा, इससे देश को फ़ायदा होगा और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर किसी को सवाल उठाने का अवसर नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा।